Good morning, dear children. Hello and welcome to Dani's Tutorial Institute. This is your Danish Mama. Okay, now today नर्सरी की क्लासेस सारी खत्म हो गई और आप लोग आप केजी में आ गए, ठीक है ना? तो केजी में आके हम लोगों को पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है. पहले हम लोगों को इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी थी, अब उससे थोड़ी ज़्यादा करनी है, क्योंकि पहले हम लोगों ने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखने थे इंग्लिश में या मैथ्स में, नंबर्स लिखने थे या उर्दू में हरूफ तहजी को लिखा हमने, ड्राइंग में हमने कुछ शेप्स बनाई या कलर्स हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं नर्सरी में. तो अब जब हम केजी में आ गए तो केजी में एक और सब्जेक्ट आपका, जैसे ये तो आप रोज़ जब मैं लिखती थी, अब आपको ये ई मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाला देख रहे तो आपको समझ में आ गया, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है ना? एम फॉर मैथ्स, यू फॉर उर्दू, डी फॉर ड्राइंग. और है एक और सब्जेक्ट अब आपका, वो भी ई से स्टार्ट होता है, ई फॉर एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है? तो अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि केजी के स्टूडेंट्स के लिए, तो हम हर चीज का हम इसका शॉर्ट लिखते हैं, एनवायरमेंटल साइंस. हम इसमें ई लेते हैं, फिर हम एक फुल स्टॉप डालते हैं, फिर हम इसका बी लेते हैं, ठीक है, बी, और फिर इस साइंस का हम लोग एस लेते हैं. तो हम लोग याद रखते हैं ई वी एस, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है ई वी एस लिखना. और हमारे पास जो डी का ड्राइंग होता है, हम इसको आर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का भी होता है, क्लास होती है, तो हम लोग कई कई चीज़ें बनाते हैं, वो अभी आपको आगे थोड़ा हम समझाएंगे. अभी आप छोटे हो, अभी आपको याद नहीं रहेगा उतना भी, ठीक है? तो अब जो आपकी आज से क्लासेस होंगी, इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी, 80% ऑफ दैट जो होगा वो इंग्लिश में ही डिलीवर होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी आपको उर्दू में, क्योंकि अभी आपको कुछ भी इंग्लिश का आता पता है नहीं, ठीक है ना? तो मैथ्स में भी, और जो आपका ईवीएस है, ये भी जो इसका जो लैंग्वेज है ईवीएस का, इसका लैंग्वेज उर्दू क्या है, एक लैंग्वेज है, पहले भी बताया मैंने आपको, एंड कश्मीरी भी एक लैंग्वेज है, वैसे ही किसी की मराठी है, किसी की बंगाली है, वो आपकी घर की मादरी जबान जिसको हम कहते हैं वो है. तो वैसे ही हम लोग इंग्लिश उर्दू भी एक जबान है, तो अब हमें ज़बानें ही बेसिकली हमें सीखनी है, लेकिन जो आपका इंग्लिश होता है वो इधर भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस लिख के होते हैं कहीं, वो इंग्लिश में ही लिख के होते हैं, और जो ईवीएस होता है वो इंग्लिश की ही ज़बान में लिखते हैं, ठीक है? तो एक और चीज़ अब आपको याद रखनी है, पहले जो थे आप नर्सरी में, यू वर वेरी स्मॉल, छोटे थे आप तब, अब आप एक साल आपकी एज का बढ़ गया, ठीक है? अब आपको एक और चीज करनी है, आपकी मामा जो है वो आपका बैग सेट करती थी, या पापा आपका बैग सेट करता था, कि बैग में आप रखते हैं कॉपीज एंड बुक्स, क्योंकि कोविड के चलते हम लोग स्कूल गए नहीं कभी, तो वरना अब आपको खुद सीखना है, क्योंकि इंशाल्लाह जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे और हम स्कूल जाने लगेंगे, तो आपको सीखना है कि आपको अपना बुक्स कैसे रखनी है, अपनी जो बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो आपका होगा, विच बिलोंग्स टू यू, जो आपका होगा चीज़, जैसे जो बैग है, तो उस बैग पे यूजुअली हर किसी का नाम लिख के होता है, फॉर इंस्टेंस खतीजा वो रखती है अपने बैग, बैग सेम नहीं होते, बैग्स हर किसी का अलग अलग होता है, बट कभी कभार हो सकता है कि दो बैग्स एक जैसे हो, तो उन पे नाम वगैरह मामा लिख के रखती है या पापा लिख के रखता है, सो दैट ये खो ना जाए कहीं, ठीक है? बट आपको अपनी चीज़ों का ख्याल खुद भी रखना है, क्योंकि अब आपको, अभी तक आप ये लिखते थे ए टू जी, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है टू लेटर वर्ड्स,
3 letter words 4 letter words मैं आपको समझाऊंगी वो होता क्या है, लेटर वर्ड्स 2 letter 3 letter 4 letter, बट अब आपको लिखना है, फिर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम वर्ड्स लिखेंगे, तो उस हिसाब से आपको पहले पता होना चाहिए कि आप डिफरेंस क्या है। अभी तक आपको कुछ हमने बताया नहीं कि बुक क्या होती है, कॉपी और बुक हम बताते थे, बट नहीं ऐसा नहीं। आपका जो बैग है, सपोज ये आपका बैग है, ठीक है ना, तो इसमें क्या रहेंगी, बुक्स। बुक्स जो होती हैं, बुक्स वर्क बुक्स होती है या टेक्स्ट बुक्स होती है, ठीक है, वर्क बुक्स या टेक्स्ट बुक्स होती है। टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, वर्क बुक्स पे क्या होता है, उनमें ऐसे जैसे आपको था ना नर्सरी में भी आपकी वर्क बुक होती थी जिनमें ऐसे डॉट्स बना के होते थे, फिर आपको उसमें आप बुक के ऊपर लिखते थे वर्क, वर्क मतलब काम करना, तो वर्क बुक्स पे आप क्या करते थे, वर्क। और टेक्स्ट बुक्स वो होती है जिसमें वहीं से सारा लिख के होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह उसमें फिर वर्क बुक की जगह उसके अंदर ही फिर हम लोग लिखते हैं कि ये अब करो, एक्सरसाइज इस पर करो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक्स। याद आपको ज्यादा रखना है टेक्स्ट बुक्स। एंड जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी जो है दैट्स अ उर्दू वर्ड, हम लोग कॉपी बोलते थे अभी तक, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है इंग्लिश के बारे में उतना कुछ, तो कॉपी हम लोग उर्दू में कहते हैं कॉपी निकालो, हम लोग कहते थे कॉपी निकालो, बुक निकालो, बट इट्स एक्चुअली टेक्स्ट बुक्स निकालो, एंड टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, उसका मतलब होता है टेक आउट, निकालो, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक आउट योर नोट बुक्स। नोट, नोट होता है किसी चीज को नोट करना, सपोज मैंने ये ई फॉर इंग्लिश लिखा, तो आप अपनी ये नोटबुक जो आपकी होगी जिसको आप कॉपी कहते हो, ई फॉर इंग्लिश यू रोट डाउन, जैसे आपने अभी तक लिखा ए टू जी अपर केस, जब मैंने आपको बोला कि एक पेज पे लिखना, पलटाओ पेज कहती थी ना मैं नर्सरी में, पलटाओ पेज तो लिखो, जिन पे आप खुद लिखोगे, जिन पे वहां से प्रिंटेड कुछ भी नहीं होगा, वो खाली होगा, उसमें सिर्फ 4 lines इधर होंगी या खुली लकीर होगा या स्क्वायर लाइन होगा, तो उसमें आपको खुद से लिखना है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि आपकी टेक्स्ट बुक्स क्या है और आपकी नोटबुक्स कौन सी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यूजुअली हर चीज के लिए आपको होगी, इंग्लिश के लिए जो आपकी नोटबुक है वो है ये वाली 4 line, ठीक है। मैथ के लिए आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक नॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है वहीं से जिसको लिख के होगा, प्रिंटेड होगा, तो आपके लिए ये स्क्वायर वाला होगा। उर्दू के लिए आपकी खुली लाइन वाली है ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप स्कूल जाओगे, क्यों मैं बता रही हूँ, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास, जब आप स्कूल जाओगे अगर कि इसी साल खुल गया केजी में आप हो, तो मैम आपको कहेगी टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, आइए ना इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक, आपको पता ही नहीं होगी इंग्लिश नोटबुक, आप वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ ढूंढते रहोगे, कैसे आप ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद है कि इंग्लिश हम इसमें लिखते हैं, मैथ्स हम इसमें लिखते हैं, उर्दू हम इसमें लिखते हैं, एंड ड्राइंग का वहीं से आता है, ड्राइंग की एक बुक होती है और दूसरी उसमें जो आर्ट वाली होती है वो प्लेन हो, वो खाली उसमें कोई लाइन नहीं होती है, वो बिल्कुल प्लेन कागज होता है वो इंटर। और एक और जो आपकी अब नया सब्जेक्ट आपका है EVS, तो इसमें इसके लिए आप आती है इंटरलीव, इंटरलीफ कॉपी, मतलब ये होता है कि एक पे एक होता है आपका उसमें 4 line और एक जो यहाँ का पेज होता है वो होता है खाली, उसमें कोई लाइन नहीं होती है, तो उस कॉपी को हम इंटरलीफ बोलते हैं। तो वो EVS के लिए हमें लगता है, क्योंकि EVS में हमें कई सारी चीज़ें, पिक्चर्स हमें होती हैं वो हमें पेस्ट करनी होती है कॉपी नोटबुक के अंदर, तो उस पर हम लोग चिपकाते हैं वो इंटरलीफ वाला जो पेज होता है खाली विदाउट लाइन्स, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, कॉपीज का याद। अब आपके बैग में कॉपीज है, अब आपको जब मैम बोलेगी टेक आउट योर कॉपी उर्दू में, तो कहेगी कॉपी निकालो अपनी, तो लिखाई की कॉपी निकालो आपको उर्दू में मैम कहेगी, और यहाँ पे कहेगी नोटबुक निकालो अपनी, तो अब आप कितने टाइम में ढूंढोगे, उसको ढूंढना वूढ़ना कुछ भी नहीं है, तो ऑल द कॉपीज आर नोटबुक्स एंड कॉपी जो है नोटबुक्स और
टेक्स्ट बुक्स जो आपकी हैं, ये क्या होता है, कवर्ड होनी चाहिए, उनको कवर करना है। कवर क्यों करेंगे, क्योंकि क्लास में 50 बच्चे हैं फॉर इंस्टेंस, तो हर किसी के पास बुक है। अब किसकी किसके पास गई, मैम कितना ध्यान रखेगी, तो आपकी बुक खो सकती है। तो अब जब आपने कवर किया तो सबने कवर किया, कवर के आगे जो होता है नेम होता है, नेम, जैसे कि आपको फॉर इंस्टेंस खतीजा, शी नोज के फॉर, तो वहां एक ना नेम लिख के होगा। ये आप इसको भी इसी तरीके से देखोगे, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, पूरे साल मैंने आपको ये बोला ई फॉर इंग्लिश, तो आप देख सकते हो कि जिसमें ई एन जी ई फॉर इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे आपको अब ईवीएस भी एक नया आया, तो ईवीएस अगर पहले पहले अगर आपको याद नहीं रहेगा ना ईवीएस, क्योंकि हम सिर्फ पहला वाला देखते थे, है ना, कवर पे लिख के होगा ना ऐसे मैथ ड्राइंग और ईवीएस, तो आप इसको एक बार खोल भी सकते हो, देख सकते हो कि इंटरलीफ वाली कॉपी है जिसमें एक पेज क्या है विदाउट लाइंस। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ये बुक्स आपको मैम बताएगी निकालने के लिए, आपको टेक्स्ट बुक्स निकालनी है, व्हेन शी विल टेल यू टू ओपन अप योर नोटबुक्स, यू विल ओपन योर नोटबुक्स एंड विच क्लास इंग्लिश, इफ इट्स इंग्लिश देन यू विल सी द कवर ऑफ योर नोटबुक एंड यू विल take out your that book or notebook which the ma'am ne jo bhi bola, to theek hai na, itna clear ho gaya। to is cheez ko aap aaj kya karoge, aap apna ye karoge bag set karoge, kya karoge bag karoge, aap apna set khud se, and is bag mein ek aur do cheeze aur honi chahiye, do ki teen, there should be three things, there should be three things in the bag, first is pencil, sharpener and third is eraser। देखो अब जब इरेजर की बात आ गई तो हम लोग इरेजर, हम लोग रबर कहते हैं, रबर उर्दू में कहना, रबर आपको क्या कहना है उर्दू में, जब उर्दू की क्लास होगी तो मैम बोलेगी अगर आपको गलत हो गया तो रबर से इसको क्या करो साफ, तो अगर इंग्लिश की क्लास होगी या ईवीएस और मैथ्स होगी तो मैम विल टेल यू टेक आउट योर इरेजर एंड इरेज, ठीक है, वो बोलेगी इरेजर एंड शार्पनर। शार्पनर को यूजुअली लोग, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग भी पहले से ही नहीं सीखे आता है कोई भी, तो हम लोग भी शार्पनर बोलते थे क्योंकि हमें शार्पनर हो जाता है, शार्प का मतलब क्या होता है दुकान, एंड शार्प का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना तेज, शार्प को तेज करना, तो शार्पनर, शार्पनर। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल से। सो दिस वॉज योर इंडक्शन टूडे एक्चुअली, तो इंडक्शन में हमने आपको बोला, इंट्रोड्यूस कराया कि किस तरीके से आपको अपना बैग सेट करना और जो भी करना है। अच्छा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय चाइल्ड आई एम टेलिंग यू, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन योर सोशल मीडिया नेटवर्क। ओके, बाय ऑफ नाउ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।